जिंदाबाद, हमारा ही एकता जिंदाबाद। आवाज दो अमेरिके, आवाज दो अमेरिके। मुद्रांक विक्रेता एम स्टैम वेंडर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद दो अमेरिके। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुद्रांक विक्रेता स्टैम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो अमेरिके, आवाज दो अमेरिके, आवाज दो एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो एक है, आवाज दो एक है। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संगठन जिंदाबाद। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा दस्तावेज पंजीयन प्रक्रिया के अंतर्गत जो पेपरलेस प्रक्रिया लागू की गई है आज से, उसके विरोध में हमने पूरा जो है कार्य का बहिष्कार किया है और किसी भी तरह से हम इसको जो है सफल नहीं होने देंगे। और आज पूरा बंद है, हम सब एक हैं और हम सब एकजुट होके इस चीज से क्या हानि होने वाली है आम जन को या आप लोग को? आम जन के लिए दस्तावेज की कोई सर्टिनिटी नहीं है, एक सर्टिफिकेट। आज विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, सबकी शैली अलग होती है, सबकी लिखावट अलग होती है। दस्तावेज में मेन महत्व होता है लिखावट का। आज डीड राइटर अपनी दिमाग से, अपनी पूरी मेहनत से जो दस्तावेज तैयार करते हैं, उसके बावजूद भी दुनिया भर के लिटिगेशन आके कोर्ट के अंदर जो है अंबार लग रहा है मुकदमों का। जब एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा तो उसके अंतर्गत जो है कितने मुकदमे दर्ज होंगे और कितने लिटिगेशन बढ़ेंगे, इसकी अभी कोई वो आंकलन किया जाना संभव नहीं है। सकते हैं, ऑनलाइन का भी मामला है। ऑनलाइन के अंतर्गत इनके पास नया सर्वर की व्यवस्था है। आज जो सीधा काम हो रहा है उसमें भी लोग बागों को दूसरे दिन आना पड़ता है, घंटों बैठ के या इंतजार करना पड़ता है। इनके पास न व्यवस्था है और न कोई ऐसी अभी तक कोई व्यवस्था की गई है डिपार्टमेंट द्वारा। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आज तीन तीन दिन तक डॉक्यूमेंट नहीं हो पाते, आदमी इंतजार में कतार में खड़ा रहता है। मांग नहीं मानते जब तक हम ये हड़ताल धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, आखिर में भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे। केवल अजमेर में है, उसके बाद प्रदेश स्तर पर इसको लागू किया जाएगा। प्रदेश में आज प्रदर्शन, ये सब रिसार ऑफिस। आपका नाम? गिरधारी लाल गुर्जर, नीति पत्र लेखक संघ। नीति पत्र लेखक एवं मुद्रांक विक्रेता संघ द्वारा पेपरलेस जो सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई गई है, जो एक मात्र ई मित्र पर जिस प्रकार सर्टिफिकेट जारी होता ना, वैसी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के विरोध में नीति पत्र लेखक एवं मुद्रांक विक्रेता संघ ने जब तक इस पेपरलेस व्यवस्था को वापस नहीं लिया जाता तब तक इस हड़ताल को, आमरण अनशन जिस भी रूप में जैसा जैसा संघ के द्वारा तय किया जाएगा वैसी वैसी ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी और ये बड़ा रूप लेती जाएगी। धीरे धीरे जिले में, जिले से प्रदेश भर में यह हड़ताल का स्वरूप बनेगा और हमारे अभिभाषक संघ द्वारा भी हमें इस बात का समर्थन दिया गया कि भाई वह भी जो दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं वह भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे। और ज़िले में भी इस प्रकार का आश्वासन दिया गया कि अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो ज़िले में और ज़िले से बाहर प्रदेश भर में ये किया जाएगा, क्योंकि अजमेर से इसलिए प्रारंभ किया गया कि यह व्यवस्था अजमेर से लागू करने का प्रयास किया गया। डीड राइटर को लाइसेंस इस प्रकार नहीं मिलता है, डीड राइटर को लाइसेंस परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है और उसके बाद लाइसेंस दिया जाता है, यानी कि उसको उस दस्तावेज लिखने के बारे में कानूनी जानकारी है या नहीं है
इस प्रकार की जानकारी होने के पश्चात उसे यह लाइसेंस दिया जाता है। यह लाइसेंस कोई इस प्रकार का लाइसेंस नहीं है कि गए और लाइसेंस लिया है, फीस भरी और लाइसेंस लिया है, ऐसा लाइसेंस नहीं है। प्रतिवर्ष इस लाइसेंस को रिन्यू किया जाता है, रिन्यू की भी प्रक्रिया होती है। तो जब फिर सरकार ऐसा क्यों करती है, क्यों लाइसेंस जारी किए और क्यों इस प्रक्रिया को अडॉप्ट करती है, फिर तो ये शुरू से इसी प्रकार की व्यवस्था रहनी चाहिए। वर्षों से नीति पत्र लेखक दस्तावेज को कानूनी ढंग से लिखते हैं, उसकी पूरी सत्यता और उसकी पूरी जानकारी उसके बारे में कर और दस्तावेज लिखे जाते हैं, जिसके कारण से इस विषय में कम से कम केस कोर्ट में जाते हैं। कोई फर्जी या कोई इस प्रकार की जिसकी जानकारी डिटेल को नहीं हो, लेकिन चैन डॉक्यूमेंट और उस व्यवस्था को अगर ध्यान में नीति पत्र लेकर करता, उस कारण से कोई भी दस्तावेज ऐसा वहाँ प्रस्तुत नहीं होता है। कोई अगर गड़बड़ कर दे, फर्जी बन जाए, वो हो जाए, जिसकी डीड राइटर को भी जानकारी नहीं, वो एक अलग विषय है। अदरवाइज कानूनी ढंग से दस्तावेज नीति पत्र लेखक ही लिखता है, क्योंकि उसको वर्षों से अनुभव होता है और वो इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और निश्चित रूप से इस व्यवस्था को लागू करने से यह व्यवस्था सरकार के और पक्षकार जो रजिस्ट्री पेश करता है, उन दोनों के लिए हितकर नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था को लागू ना होने तक, इसे रोके जाने तक ये स्ट्राइक की जा रही है। नाम सुरेश शर्मा, नीति पत्र लेखक।